हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिफोर कैसे सिखाएं बच्चों को। आफ्टर की तो वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ कि आफ्टर कैसे सिखाना है। आज मैं बताने वाली हूँ कि बिफोर कैसे सिखाना है। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए जैसे हम कोई भी नंबर बच्चों से पूछ सकते हैं, तो 6 ले लिया जैसे, ठीक है। अब अगर आफ्टर पूछना है तो हम राइट की तरफ ब्लैंक करेंगे, ठीक है। और अगर बिफोर पूछना है तो फिर हम लेफ्ट की तरफ ब्लैंक करेंगे। ये हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम बच्चों को सिखाएंगे, तो बिफोर के लिए लेफ्ट और आफ्टर के लिए राइट। यहाँ क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ये मैंने लेफ्ट की साइड में ब्लैंक रख दिया क्योंकि हमें बिफोर पूछना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बच्चों से या तो कहेंगे कि वो 1 to 10 लिखें काउंट करके, या फिर हम उनको बताएंगे। तो ये इस तरह से हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि बिफोर हम कैसे समझाएं। ये नीचे जो है वो तो आफ्टर के लिए, जैसे कोई जैसे 6 है 6 के नीचे 7 है और ऊपर 5 है, तो ऊपर 5 है इसका मतलब बिफोर, ठीक है। हम बच्चों को ऐसे बताएंगे कि जो अंक हमारा दिया हुआ है, जो नंबर, उसके ऊपर देखना है। तो ये 5 हो गया क्योंकि 6 के ऊपर 5 है, तो वो बिफोर हो गया। 6 के बिफोर में 5, तो व्हाट कम्स बिफोर 6, तो 5। अब इसी तरह 8 है, तो बच्चों से कहेंगे कि 8 के ऊपर क्या है, देखो अपर साइड में क्या है 8 के। तो बच्चा खुद 8 के पर साइड में देखेगा, ऊपर देखेगा और बताएगा कि 7 है, ठीक है। वो बताएगा 7 है, तो फिर तुम हम लोग बोलेंगे कि ओके बिफोर में तब 7 हो जाएगा। जो भी ऊपर हमारा दिया रहेगा जिस नंबर के, वो बिफोर में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें समझाना है बच्चों को। जब उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, 1 to 10 लिख करके जो जवाब देने लगे, जब वो आंसर बताने लगे, तो हम ये कहेंगे कि अब तुम ओरल बताओ। ओरल से खुद 1 to 10, जैसे अगर 8 नंबर दिया है तो हम उन्हें कहेंगे 1 to 8 तक पढ़ें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो उसके पहले जो आएगा वो हमारा बिफोर हो जाएगा। तो 8 के पहले क्या आया ये बच्चों से पूछेंगे, तो बोलेंगे कि 7 आया, तो फिर वो समझ जाएंगे कि ये बिफोर में हो जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, प्रैक्टिस कराने से ही बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे इधर 9 है, तो 9 के बिफोर में क्या हुआ, तो उसी तरह बच्चों को बोलेंगे 1 to 9 पढ़ो, तो बच्चा पढ़ेगा 1 to 9, तो फिर समझेगा कि 9 के पहले तो 8 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम पूछेंगे 9 के पहले क्या आया, तो बच्चा बताएगा कि 8 आया था। तो इसे प्रैक्टिस कराते रहने से बच्चे बिफोर धीरे धीरे समझने लगेंगे। अब वो था स्टैंडिंग लाइन, अब ये है स्लिपिंग लाइन में मैं बताने जा रही हूँ, यानी नंबर लाइन से। जैसे मैंने आफ्टर में बताया था सेम वैसे ही है। यहाँ हम 1 to 10 लिख देंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से नंबर लाइन कर देंगे। अब इसमें क्या है, तो हमें बच्चों को बताना है कि राइट साइड में आफ्टर होता है, ये मैंने पहले ही बताया है आफ्टर की वीडियो में, और लेफ्ट साइड में बिफोर काउंट किया जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से लेफ्ट साइड में बिफोर हो जाएगा हमारा। जैसे एग्जांपल हम पूछेंगे 5 के बिफोर में क्या आया, तो तुम अपने लेफ्ट साइड देखो, बच्चों से कहेंगे तुम अपने लेफ्ट साइड देखो, तो बच्चा देखेगा लेफ्ट में क्या है, तो 4 है, ठीक है। इधर लेफ्ट होता है, तो 5 के लेफ्ट में क्या है, 4 है, तो यानी ये बिफोर हो गया, ठीक है। 5 के लेफ्ट में जो आएगा नंबर वो बिफोर हो जाएगा, और 5 के आफ्टर में सॉरी 5 के राइट में जो आएगा वो आफ्टर हो जाएगा। उसी तरह 8, तो 8 के लेफ्ट में क्या है, खुद ही पूछिए फिर 8 के लेफ्ट में क्या है, तो वो देख करके बोलेगा 7, तो फिर वो से पहले तो पूछ ले कि वेयर इज़ नंबर 5। अगर कोई भी नंबर ले रहे हैं तो उसमें पहले वो जैसे हम पूछेंगे वेयर इज़ नंबर 8, तो बच्चा बोलेगा हियर इज़ नंबर 8, तो 8 के बिफोर में 8 के लेफ्ट में देखो, तो वो 7 बताएगा। तो इस तरह से हम उन्हें समझा सकते हैं, और नंबर को भी रिकॉग्नाइज कराएंगे कि कौन सा नंबर क्या है। अब जैसे ये 9 है, तो 9 के लेफ्ट में क्या है, तो 8 है, तो बिफोर हो जाएगा इस तरह से। अब ये 3 है, तो 3 के लेफ्ट में क्या है,
थ्री के लेफ्ट में टू है तो टू भी फोर हो जाएगा। हमें बताना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बिफोर और राइट हैंड साइड की तरफ आफ्टर होता है, इस तरह से हमें बताना है। पहले आप रिकॉग्नाइज करा दें कौन सा लेफ्ट हैंड है कौन सा राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा बिफोर और राइट हैंड की तरफ होगा आफ्टर। आपका जो मन करे, आप जिस तरीके से भी बिफोर सिखाना चाहते हैं, स्टैंडिंग लाइन से जो या फिर स्लीपिंग लाइन से, जैसे स्टैंडिंग लाइन में था कि ऊपर में जो लिखा रहेगा नंबर वो बिफोर और नीचे वाला आफ्टर होता है, और स्लीपिंग लाइन में होता था राइट में जो लिखा रहेगा वो आफ्टर और लेफ्ट में जो रहेगा नंबर वो बिफोर होता है। तो आप जिसे भी सिखाना चाहे आप सिखाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और बच्चे को भी अच्छे से समझा पाएंगे, और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है, और फिर बेल बटन भी प्रेस करिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप लोगों तक तुरंत पहुंचे। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।